एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि सदिश 2i-3j+4k और -4i+6j-8k संरेख हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो सदिश a बराबर a1i+a2j+a3k और बी बराबर b1i+b2j+b3k अगर संरेख होते हैं, सदिश a और b संरेख होंगे, यदि ये जो i का गुणांक होता है उनका अनुपात यानी a1/b1 = a2/b2 = a3/b3 = कोई मान लैम्डा आना चाहिए। तो ये हमारा होता है कि दो सदिश a और b कब संरेख होंगे। i का i के साथ अनुपात, j का j के साथ अनुपात, k वाले का k के साथ अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी a1i+a2j+a3k b1i+b2j+b3k संरेख होंगे अगर a1/b1 = a2/b2 = a3/b3 = लैम्डा, यानी कोई वैल्यू लैम्डा के बराबर, तीनों रेशियो बराबर आए। तो यहाँ पे हमारा सदिश है a बराबर, हम लोग मान लेते हैं सदिश a बराबर 2i-3j+4k और b हम लोग अगले सदिश को मान लेते हैं -4i+6j-8k। अब यहाँ पे हम लोग a1/b1 निकालते हैं, तो a1/b1 यानी यहाँ पे i का कोफिशियंट क्या है 2, यहाँ पे i का गुणांक क्या है -4, यहाँ पे j का गुणांक क्या है -3, यहाँ पे j का गुणांक है 6, यहाँ पे k का गुणांक 4, यहाँ पे -8। अब ये तीनों रेशियो हम लोग देखते हैं, ये हो गया -1/2, 3 × 6, ये भी हो गया -1/2, ये भी हो गया -1/2, तो ये हमारे तीनों अनुपात बराबर हैं, अतः दोनों सदिश संरेख हैं। तो ये थ्योरी हम लोगों को पता होना चाहिए कि दो सदिश a और b संरेख होते हैं यदि a1/b1 = a2/b2 = a3/b3। तो ये हमारा हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर हम लोग करते हैं, सदिश i+2j+3k की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का यहाँ पे ये थ्योरी यूज होगा कि कोई सदिश हमारा r = xi+yj+zk की दिक कोसाइन, जो कॉस अल्फा हमारा होता है आई का गुणांक बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस बीटा हमारा होता है जे का गुणांक बटा पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा होता है हमारा के का गुणांक बटा पूरे वेक्टर का परिमाण। तो ये हमारा कोई सदिश r = xi+yj+zk है, तो उसकी दिक कोसाइन निकालने का फार्मूला है कॉस अल्फा, यानी x अक्ष के धनात्मक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसके कॉस की वैल्यू x/r। तो यहाँ पे हम लोग r बराबर मान लेते हैं जो वेक्टर है i+2j+3k, तो r वेक्टर का जो परिमाण हमारा हो जाएगा √i² + j² + k² + k² तो वेक्टर r का जो परिमाण हो गया 9, 10, √14। अब जो cos अल्फा हमारा होगा वो x, यानी i का गुणांक 1/√14, cos बीटा हमारा होगा j का गुणांक 2/√14, एंड cos गामा = हमारा होगा k का गुणांक 3/√14। तो इस सदिश के दिक कोसाइन क्या होगे, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14, ये हमारा दिक कोसाइन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिंदुओं a 1, 2, -3 और b -1, -2, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड
ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, ए है एक बिंदु और एक बिंदु बी है। ये यहाँ पे हम लोग मान लें तो 1, 2, -3 और बी यहाँ पे -1, -2, 1। ये ए और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। तो ए से बी की तरफ दिष्ट यानी जो ये ए बी वेक्टर बनेगा इसकी दिक् कोसाइन हमको निकालना है। तो कहीं पे अगर हम लोग अपना मूल बिंदु ओ ले लें, मूल बिंदु ओ, ओ ए सदिश हमारा हो जाएगा आई प्लस 2j-3 के, और ओ बी हमारा यानी बिंदु बी का जो स्थित सदिश होगा -i -2j+k। क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर कोई भी बिंदु जिसके निर्देशांक x, y, z हों और कहीं पे आपने मूल बिंदु जो है xyz अक्षों का ले लिया है, xyz ये हमारा मूल बिंदु हो गया, तो जो बिंदु P का जो स्थित सदिश OP है, OP ये हम लोग लिखते हैं xi+yj+zk। तो बिंदुओं A और B के स्थित सदिश हम लोगों ने लिख लिया। अब त्रिभुज OAB में हम लोग सदिशों का योग गुणधर्म लगाएंगे। त्रिभुज OAB में सदिशों के त्रिभुज के योग नियम से पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर यानी OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB। यहाँ से हमारा होगा AB इक्वल टू OB-OA। तो AB वेक्टर हम लोग फॉर्म कर लें, AB वेक्टर हमारा OB-OA, तो ये -i -2j+k और -OA i+2j-3k। AB वेक्टर इक्वल टू -i -2j+k -i -2j+3k। AB वेक्टर हमारा हो गया -i -i -2i -2j-2j-4j+4k। तो AB वेक्टर हम लोगों को पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, इसकी दिक् कोसाइन चाहिए। तो AB वेक्टर इक्वल टू हमारा आ गया -2i -2j+4k -2i -4j+4k। AB वेक्टर का परिमाण हम लोग निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर +-4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। 4 16 प्लस 16, तो ये हो गया 36 और 36 का वर्गमूल 6। तो AB वेक्टर का परिमाण हमारा आ गया 6। पर हम लोग जानते हैं जो cos अल्फा होता है वो xy यानी i का गुणांक -2y वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos बीटा हमारा क्या होता है -j का गुणांक -4 है यहाँ पे /6, और cos गामा हमारा हो गया k का गुणांक बटा मैग्नीट्यूड। तो cos अल्फा यहाँ से हो गया हमारा -1/3, cos बीटा हो गया यहाँ से हमारा -2/3, और cos गामा हो गया 2/3। तो इसके जो दिक् कोसाइन ये हो गया -1/3, -2/3, -2/3, क्योंकि कोई
वेक्टर अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो तो उसके दिक कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाई मॉड आर, वाई बाई मॉड आर कॉस बीटा, और कॉस गामा इक्वल टू जेड बाई मॉड आर। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दर्शाइए कि सदिश i प्लस जे प्लस के अक्षों ए एक्स ए वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो किसी भी सदिश का हम लोग x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष के साथ जो है वो कितना कोण बनाता है ये निकालना हमको पता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दिक कोसाइन। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष और ये z अक्ष, तो कोई हमारा जो है वेक्टर है, चलिए OP वेक्टर मान लेते हैं, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसको अल्फा हम लोग निरूपित करते हैं, y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बीटा, और z अक्ष की साथ धनात्मक दिशा के साथ गामा, और इसके निर्देशांक अगर x y z हों तो OP वेक्टर को हम लोग लिख लेते हैं x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको आर से भी लिखा जाता है, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसका अल्फा यानी कॉस अल्फा हमारा होता है आई का गुणांक एक्स वाई उस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस बीटा जो जेड अक्ष वाई अक्ष के साथ जो कोण बनता है हमारा जे का गुणांक बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा हमारा हो जाता है जेड वाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमको पता है कि किसी भी सदिश का एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की धनात्मक अक्षों के साथ जो कोण बना है उसको हम लोग इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा जो होता है एक्स अक्ष के साथ बना कोण की का कॉस, एक्स वाई मॉड आर कॉस बीटा वाई बाई मॉड आर, कॉस गामा इक्वल टू जेड बाई मॉड आर। तो अगर हमारा सदिश आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के अगर हमारा तीनों अक्षों से बराबर झुका हुआ होगा तो तीनों अक्षों के धनात्मक अक्षों के साथ कोण क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम लोग अगर r का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं, r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, ये हो गया रूट थ्री। तो ओ एक्स के साथ जो बना कोण, ओ एक्स के साथ यानी एक्स अक्ष के साथ जो बना कोण हमारा क्या होगा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू हमारा क्या होता है आई का गुणांक वन वाई मॉड आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा हमारा क्या हो गया ये हमारा ओ आई के साथ बना कोण, जे का गुणांक क्या है वन बाई रूट थ्री, जे का गुणांक वन है और बाई मॉड जो है पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट थ्री, ओ जेड के साथ बना कोण को गामा हम बोलते हैं और इस गामा क्या होता है कॉस गामा, के का गुणांक वन है भाई पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट थ्री। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा है, कॉस गामा, तो यहां से हमारा क्या पता चल गया कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, इसका मतलब सदिश द्वारा ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से बना कोण बराबर है, और झुकाव का मतलब क्या होता है बराबर, झुकाव का मतलब हमारा होता है कि कोण जो है बराबर है, तो अगर बराबर कोण बना रहा है इसका मतलब ओ एक्स ओ वाई और जेड से ये बराबर झुका हुआ है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, अब 15 नंबर हम लोग करते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अंतः विभाजन वाला स्थित सदिश निकालते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं बिंदु P और ये हम लोग ले लेते हैं बिंदु Q। P हमारा क्या है I प्लस 2j माइनस के, क्यू हमारा क्या है माइनस आई प्लस जे प्लस के, कहीं पे हमारा मूल बिंदु होता है ओ। अच्छा अभी तो चित्र बना के दिखा रहे हैं लेकिन आप डायरेक्ट भी फार्मूला बाद में लगा सकते हो। तो कोई बिंदु आर है हमारा यहाँ पे जो इनको 2:1 अनुपात में पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित कर रहा है।
तो जो पहले बिंदु दिया रहता है तो अनुपात भी पहला उसी के साथ रहता है। जैसे पी क्यू को यानी आर जो है पहला ये अनुपात टू होगा, ये अनुपात वन, क्योंकि बिंदु पी पहले है तो दो अनुपात एक में अंतर विभाजित कर रहा है और इस आर का हमको स्थिर सदिश चाहिए। तो इसमें सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है हमारा, जो अनुपात होता है उसके अपोजिट का स्थित सदिश, तो अंतः विभाजन में हमारा होता है ओ आर इक्वल टू ये फार्मूला होता है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, और जो एम अनुपात होगा उसके अपोजिट वाला सदिश रखेंगे। तो ओ आर हमारा यहाँ से हो गया सीधा सीधा ओ आर, अनुपात टू लिए तो हमको स्थित सदिश क्या लेना पड़ेगा, ये माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस अनुपात एक वन इंटू स्थिर सदिश ये आई प्लस टू जे माइनस के अपान टू प्लस वन, ये दो से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू आई प्लस टू जे प्लस टू के प्लस आई प्लस टू जे माइनस के बाई थ्री। तो यहाँ से हमारा जो ओ आर हो गया माइनस टू आई और प्लस आई हो गया माइनस आई, टू जे हमारा हो गया फोर जे और टू के से के गया प्लस के बाई थ्री। तो अंतः विभाजन वाला जो हमारा बिंदु आर जो पी और क्यू को अंतः दो अनुपात एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है उसका स्थित सदिश हो गया हमारा ये। अब दूसरा हमारा होगा बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में हमारा फार्मूले में क्या बदल जाता है, बस ऊपर नीचे माइनस आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, बस। तो एम हमारा क्या हो गया टू और बी माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस एन अगला अनुपात वन इंटू ए हमारा क्या है आई प्लस टू जे माइनस के अपॉन एम माइनस एन यानी टू माइनस वन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा माइनस टू आई प्लस टू जे प्लस टू के और ये माइनस से गुणा करें तो माइनस आई माइनस टू जे प्लस के अपॉन वन। तो यहाँ से हमारा ओ आर हो गया माइनस टू आई और माइनस आई क्या हो गया माइनस थ्री आई और प्लस टू जे माइनस टू जे ख़त्म हो गया टू के और के जोड़ के थ्री के माइनस थ्री आई प्लस थ्री के, यानी जो बाह्य विभाजन जो होगा जो दो अनुपात एक में विभाजित करेगा बिंदु आर तो उसका जो स्थिर सदिश होगा माइनस थ्री आई प्लस थ्री के। ये हमारा हो गया 15 नंबर क्वेश्चन।